इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। तो ये क्या है, ये किसी एक की नहीं बल्कि एक चार्ज की नहीं बल्कि एक सिस्टम ऑफ चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इसमें कम से कम दो चार्ज होने ज़रूरी हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे एक चार्ज ये रखा है, ठीक है, और हमने क्या करा, एक चार्ज और लिया, तो ये दो चार्ज मिलकर क्या बना लिया उन्होंने, एक सिस्टम बना दिया। तो इसकी एक क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इस तरह से दो के अलावा तीन भी हो सकते हैं। तो जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं वो मिलके जो एक सिस्टम बना रहे हैं, तो ये उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। इनिशियली क्या होगा कि ये एक दूसरे से इनफाइनाइटली अपार्ट होंगे। फिर हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी से इन दोनों को नज़दीक लाएंगे, और नज़दीक लाने पर जो इस सिस्टम बनेगा, इस सिस्टम की हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो थियोरेटिकली हम उसको ये भी कह सकते हैं कि दोनों इन्फाइनाइटली अपार्ट ना होके, सपोज हमने एक को यहाँ रखा, ये कहीं इन्फिनिटी में था, और इसको इन्फिनिटी से हम किसी पॉइंट तक लाए, और यहाँ पर लाने पे जो भी हमने वर्क डन करा वो वर्क डन इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो गया। इसको ऐसे क्लियर कर सकते हैं और भी तरीका कि सपोज कीजिए एक चार्ज ये था पहला वाला Q1, एक था Q2, तो हमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो दोनों क्या थे, इनिशियली इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी में पोटेंशियल कितना होता है, जीरो होता है। इन्फिनिटी का पोटेंशियल कितना होता है, जीरो। तो जब हम इसको एक दूसरा चार्ज था Q2 जो पहले था इन्फिनिटी में, इन्फिनिटी से हम एक फाइनाइट डिस्टेंस पे लाए जहाँ पर आके क्या बन जाएगा, ये सिस्टम बन जाएगा। तो इस चार्ज को इनफाइनाइट से यहाँ तक लाके जो सिस्टम बनाने में जो भी हमें वर्क डन करना पड़ा, तो ये उस पूरे वर्क डन की पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब इसको ऐसे क्लियर करो कि इन्फिनिट वर्क डन क्या हुआ, जो वर्क डन है, अच्छा उसको निकालना कैसे सीखेंगे, ऐसे समझते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये क्या होता है, वर्क अपॉन जो भी चार्ज आपका, जिस चार्ज को आप मूव करा रहे हो या जिस पर वर्क कर रहे हो, तो dV इज इक्वल टू W/Q। अब जैसे हमने आपकी बार Q2 चार्ज पर वर्क करा है, ये इनिशियली कहाँ था, इनफाइनाइट था, इनफाइनाइट से हम इसको एक डिस्टेंस r तक लाए। तो अब इन दोनों जगह के पोटेंशियल की बात करें, इसका पोटेंशियल यहाँ पर जीरो हुआ और हमें यहाँ पर का निकालना है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा dV वो कितना हो गया, इन्फिनिटी का तो जीरो हो गया, इस पॉइंट का हमने V माना, तो V-0। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया वो V। अब V कितना होगा, ये पॉइंट जो है इससे r डिस्टेंस पर है Q1 से, तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, 1/4πε0K Q1/r। ये भी ध्यान रखना है कि Q2 चार्ज इस वाले के पोटेंशियल के अंडर मूव कर रहा है, Q1/r हो गया। तो अब जो वर्क डन हो गया वो हो गया Q(dV), ठीक हो गया, और यही क्या हुई इसकी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। तो Q2 चार्ज को मूव करा रहे तो ये Q2 आ जाएगा (1/4πε0K Q1/r), तो जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई वो आ गई 1/4πε0K Q1/Q2/r। तो इस तरह से हम किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को निकाल सकते। अब इसमें सपोज करो कि अगर कोई भी एक चार्ज नेगेटिव होता, सपोज करो Q2 नेगेटिव होता, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता, 1/4πε0K Q1 Q2 की जगह माइनस आ जाता, क्योंकि वर्क डन कैसी क्वांटिटी, स्केलर, तो ये साइन के साथ ली जाएगी, तो उस केस में ये नेगेटिव आ जाता। इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अब मान लिया कि हमारे पास सपोज एक चार्ज ये Q1 है, सपोज इससे ये डिस्टेंस पे एक चार्ज Q2 है, ये भी प्लस है, और यहाँ पर मान लिया एक चार्ज है -Q3। तो हमें इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पता करनी है, तो लेट ये डिस्टेंस बी और ये सी, आपने करना क्या है, इन सबको कनेक्ट करना है, सब एक सिस्टम बनाएंगे, जैसे ये दो भी इसके पार्ट हैं, ये दोनों भी इसके पार्ट हैं, और ये दोनों भी इसके। तो इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी,
वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के तो सभी में आएगा, पहले इन दोनों का लेंगे क्यू वन क्यू टू अपॉन ए, आप इन दोनों का ले लीजिए। अब ये प्लस है ये माइनस, तो ये आ जाएगा क्यू टू क्यू थ्री अपॉन बी, फिर इन दोनों का लेंगे क्यू वन क्यू थ्री अपॉन सी। इसी तरह से अगर सपोज करो कि अगर ये चार पार्टिकल हैं, चार चार्ज हैं सॉरी, क्यू वन क्यू टू ये प्लस हो गया, मान लिया ये भी प्लस है और ये माइनस, तो इसकी अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो क्या करेंगे, एक तो ये बनेंगे, इसकी डिस्टेंस सपोज ये होगी, फिर एक ये बनेगा सिस्टम, इसकी बी होगी, एक ये बना इसकी सी, और माना इसकी डिस्टेंस डी हो तो ये डी हो गया, फिर ये दोनों भी मिलके एक एनर्जी बनाएंगे और ये दोनों भी एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो सपोज ये ई हो जाए ये एफ, तो जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू वन क्यू टू, ये नेगेटिव साइन आ गया, अपॉन ए, फिर इन दोनों का लेंगे क्यू टू क्यू थ्री अपॉन बी, फिर इन दोनों का लिया क्यू थ्री क्यू फोर अपॉन सी, फिर इन दोनों का माइनस माइनस प्लस क्यू वन क्यू फोर अपॉन डी, फिर ये दोनों भी आएंगे माइनस क्यू वन क्यू थ्री अपॉन ई, और एक दोनों ये भी कॉम्बिनेशन बनेगा क्यू फोर क्यू टू अपॉन सी। तो आपने सिर्फ ये देखना है कि कितने पॉसिबल वहाँ पे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, उन सब को लेके जो एनर्जी बनेगी वो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब हम इसी में अगला टॉपिक देखेंगे कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को रखा जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मान लिया लेट ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस डायरेक्शन में लगा है। अब हमने यहाँ पर एक कोई चार्ज पार्टिकल लग दिया प्लस क्यू, और मान लिया इनिशियली ये पार्टिकल रेस्ट पे था तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई जीरो। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो क्या होगा, नॉर्मली इस पर एक फोर्स लगेगा क्यू ई। अब चूँकि ये प्लस वाला है तो ये फील्ड की डायरेक्शन में ही एक्सेलरेट होगा, अगर ये माइनस होता तो ये अपोजिट को जाता। अब एज्यूम कर लिया कि लेट टी टाइम के बाद ये इस पॉइंट ए से सपोज करो ये बी तक चले जाता है टाइम टी में, और इसकी डिस्टेंस सपोज हो जाती है ट्रेवल्ड डी। तो अब अगर इसकी हम वो बात इस पर फोर्स की बात करें तो इस पर फोर्स लगा क्यू ई, और लेट इस चार्ज पार्टिकल का मास एम करें तो एफ इक्वल क्यू ई, और एफ इक्वल एम ई भी होता है तो क्यू ई इक्वल टू एम ए हो गया, तो ए इज इक्वल टू आ गया क्यू ई बाई एम। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी अगर निकालें तो कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। अब वी इसकी वेलोसिटी है, अब वेलोसिटी कितनी होगी उसको ऐसे निकालेंगे वी इक्वल टू यू प्लस ए टी सी भी निकाल सकते हैं, वी स्क्वायर यू स्क्वायर टू ए एस, एस की जगह अब हमने इसको इसे डी मान लिया है तो डी से भी निकाल सकते हैं। तो ये तो जीरो हो गया, ये इतना आ गया टू ए, ए की जगह आ गया क्यू ई बाई एम इन टू डी, तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई टू क्यू ई अपॉन एम इन टू डी, इसको रख देंगे यहाँ पर, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी आ गई वो आ गई हाफ एम टू क्यू ई बाई एम इंटू डी, एम से एम कैंसिल टू से टू भी कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई क्यू ई डी। अच्छा, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था ई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, ये तो सामान्य फॉर्म थी, और इसको नहीं सॉरी ये तो जनरल फॉर्म थी जिसमें वेक्टर फॉर्म के थ्रू हम पढ़ते थे, और इसके मैग्नीट्यूड की फॉर्म में ऐसे भी पढ़ने को कहा था ई इक्वल टू वी बाई डी, जहाँ पर से मैग्नीट्यूड की बात होगी डायरेक्शन हो गई नहीं, तो ई इक्वल टू वी बाई डी, क्योंकि अभी हम मैग्नीट्यूड पे बात करें तो जो ई इंटू डी आएगा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ई इंटू डी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल नहीं है, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या बन गई, क्यू इंटू वी, यानी कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में वी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट होता है
तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी क्यू इंटू वी। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें हम एक चीज़ और समझेंगे, वो ये है जो समझने वाली बात है कि काइनेटिक एनर्जी की यूनिट, वर्क की यूनिट सबकी होती है जूल, और यहाँ पर एक नई यूनिट आती है ईवी, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है कि अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन को जिसका चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, अगर इस किसी इलेक्ट्रॉन को आप एक वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, जैसे हमने क्यू वी पढ़ा था, तो वैसे इलेक्ट्रॉन के केस में इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ई से डिनोट करते हैं, ये हो जाएगा ई वी। तो 1.6 × 10⁻¹⁹ और पोटेंशियल डिफरेंस कितना कहा मैंने, 1 वोल्ट × 1, तो इतना जूल आ गया। यानी कि जो आपका एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जब आप एक इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट, जब आप एक इलेक्ट्रॉन को 1 पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करते हैं, तो जो 1 ev है वो किसके इक्वल आ गया, 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। जैसे कभी आपको दिया हो कि आपने किसी चार्ज पार्टिकल को 5 ev से एक्सेलरेट करा, तो इसकी मीनिंग क्या है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, 5 ev से एक्सेलरेट किया तो 5 × 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। तो 1 ev इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल।